सही है ब्रो। सो गाइस आज के वीडियो में बात करने वाले हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में, वो भी इंडियन टीवी एडवर्टाइजमेंट के बारे में। ये सबेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? अब कोई बंदा कितना बोला तुम इस बात से पता लगा सकते हो कि वो बंदा एडवर्टाइजमेंट में बिलीव करता है या नहीं करता है? अगर कोई बिलीव करता है तो भाई साहब सच्ची बता रहा, उससे ज्यादा बोला इंसान तुमको बहुत सारे मिल जाएंगे। oh, no. क्योंकि चूतियों की कमी नहीं है। ये साले आग लगा दी भैया जी। आप तो ये एडवर्टाइजमेंट वाले लोगों का इतना ज्यादा फुद्दू काटते कि अगर इनका बस चले ना तो ये अपना प्रोडक्ट बेच देते, सामने वाले को कह दे कि भाई साहब अगर आप ये प्रोडक्ट लगा लोगे तो आप पूरे जिंदगी भर जवान ही रहोगे। और यही नहीं, और एक खास बात है हमारे प्रोडक्ट की, इसको अगर आपने अभी यूज किया तो 60 साल की उम्र में भी आप 8 फीट लंबी छलांग लगा सकते हो। क्या सोच रहा हो, क्या बकवास कर रहा हो, क्या लॉजिक है इस बात में? मैं भी तो यही समझना चाहता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट वाले पे कुछ लॉजिक ही नहीं होता है। कला इनके गांड मार रहा हूँ सालों की। ये लोग फायर एक्सटिंग्विशर के एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अपने यहाँ खुद ही आग लगाते हैं। ओह शिट यार, फेस टैन हो गया यार। Fair and lovely clean up face wash. ए पागल औरत, ना मुझे नहीं चाहिए, तू लगा। कितनी गर्मी है यार। Oh no. Fair and lovely अब glow and lovely. ये धूप से बचाए और इसके मल्टीविटामिन्स दाग धब्बे घटाए दे HD glow. ए बोला ना मेरे को नहीं चाहिए। पंग। ठंड पड़ गई है। कंबल ओढ़ लेता हूँ। Fair and lovely winter. Fair and lovely winter fairness. जो दे रिच मॉइस्चराइजर्स की सॉफ्टनेस और मल्टीविटामिन्स का निखार. Fair and lovely winter fairness. वो तो सरकार ने नहीं इजाजत नहीं दी, वरना ये तो कोरोना के ऊपर भी फेयर एंड लवली निकाल देते। oh, no. ये एड्स वाले के एड में उतना ही लॉजिक होता है जितना तो मुर्दे के टोटके में होता है। जो सारे मिल गए चूतिया बना रहा है। और मैं पर्सनली जब से फेयर एंड लवली के एड्स देख रहा हूँ उसमें सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि काले से गोरा कैसे बना जा सके। मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि किसने कहा कि गोरा रंग काले रंग से बेटर होता है? कौन है ये लोग? कलर कैन नॉट जस्टिफाई द पर्सन एंड इवन कलर डजंट मैटर। इंसान का चाहे कोई भी कलर हो, बस उसे अंदर से खुश होना चाहिए, क्योंकि अंदर से खुश हो गए तभी तो फेस पे ग्लो आएगा। एंड दैट द ओनली थिंग व्हाट रियली मैटर्स। हमें तुमसे ये उम्मीद कतई नहीं थी। कहां से मुंह काला करा के आई हो बेगम, बोलो। आप ही के तो है उल्लू समझाए, एक की भी शक्ल नहीं मिलती है मुझसे। एक्सक्यूज मी जी। Yes. नया मेंटोस, bigger, softer, better. एक मिनट, मैं लाल पीला, ये सफेद, झूठी है तो झूठी। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर आपको फर्क पड़ेगा। नया मेंटोस, bigger, softer, better. मतलब मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि क्या गलती थी इस मुर्गे की, और मुझे एक चीज नहीं समझ में आई, मेंटोस के एक्ट में मुर्गी का क्या काम? कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये एड्स वाले एड्स पर क्रीम यूज करने के बाद ऐसे दिखते हैं, और अगर कोई रियल लाइफ में इस क्रीम को अप्लाई करे तो वो ऐसा दिखता है। और ये लेस के एड में तो भाई साहब, मतलब 10 रुपए का लेस लेके तुम तो खा ही रहे हो, तुम्हारी पूरी फैमिली खा रही है, और उसके बाद भी ये लेस खत्म नहीं हो रहा है, उसके बाद भी बचा हुआ है। और अगर तुम रियल लाइफ में 10 रुपए का पैकेट का लेस ले रहे हो तो अगर वो 10 रुपए आग में जला रहे हो तो उससे पहले वो लेस ही खत्म हो जाएगी। चूतिया बना रहा है। और इसके बाद आ रही है ओवर एक्टिंग की दुकान, वरुण धवन की गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट एज नोन एज डम स्टार किड। और यहाँ पे आलिया भट्ट आ रही है दूल्हे को गंदे से इशारा करते हुए, और यहाँ दूल्हे को दूल्हे वाले ने ऊपर उठा लिया। oh, no. आलिया भट्ट यहाँ पे मन में बोल रही है, क्या भाई जिंगे, पापा की परी तो मैं हूँ और तुम मेरे सामने, नहीं नहीं मतलब तुम मेरे सामने उड़ रहा है, रुक रुक मैं अभी अपना हथियार निकालती हूँ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब तुम लोग मुझे बताओ, ऐसे उल्टे पैर वाली डायन का फेस देखने के बाद ऐसा मुंह कौन बनाता है? हट यार, देखना ही नहीं है, सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर चोद के बच्चे। यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं अरे मिल गए, महाकाल बोल दीजिए, दबाके लाइक और शेयर, ठोकरे महाकाल का आशीर्वाद, ठोकरे महाकाल का आशीर्वाद। लगे जैसे कैसी है दवाई है, फिर भी ये चलना मुझे यही तो दवाई है। लोग सारे कहते मुझे बेटा तू है बुझ दिल, हल कैसे करूं इतनी है मुश्किल, हार नहीं मानी मैंने अपने जुनून से, लिखता गया बस अपने खून से, मेहनत मेरी है लेके आगे जाएगी, कब तक प्रॉब्लम मुझको न जाएगी।